फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स. बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, पर फिर भी राइट पोस्चर सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको नहीं पता है कि आपको स्क्वाट्स करना कैसे है, तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. तो स्क्वाट्स के लिए आपको करना यह है कि आपको अपने शोल्डर पोजिशन में लेग रखने हैं, और फिर इस तरीके से आपको नीचे बैठना है. और बैठना कैसे है, आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए इस तरीके से, तभी आपकी हिप की फैट को इफेक्ट करेगा. सुमो स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको लेग को वाइड रखना है और फिर इस तरीके से आपको स्क्वाट करनी है. बैक पोजीशन सेम रहनी चाहिए, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए. और थर्ड वेरिएशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है, और अगर आप स्क्वाट्स ऑलरेडी जानते हैं तो ये आपको करना चाहिए, दैट इज जंपिंग स्क्वाट. आपको करना ये है कि जंप करना है और स्क्वाट करना है. और ये स्क्वाट्स एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करना है. ये 3 सेट आपको कितने कितने के करने हैं पता है, 15 के. 15 ईच के 3 सेट्स, मतलब 15 रेप और 3 सेट्स, मतलब 15, 30 और 45, कुल मिलाकर 45 होने चाहिए. और 2 सेट के बीच में आप 10 टू 15 सेकेंड्स का रेस्ट ले सकते हैं. सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज इज लंजेस. लंजेस करने के लिए आपको यहाँ पे हाथ रखने हैं, लेग स्ट्रेट रखने हैं और फिर इस तरीके से लेग को आगे लेके बैठना है. आप सेम लेग भी रिपीट कर सकते हैं और मेरी तरह अल्टरनेट लेग लेकर 3 सेट कर सकते हैं 15 के. ओके, इसमें और एक वेरिएशन है साइड लंजेस. ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हिप पैड के लिए. कॉन्सेंट्रेट करना नहीं भूलना है. नेक्स्ट इज स्टेप अप. आपके पास घर पे स्टूल तो होगा ही होगा, वहां पे आप कर सकते हैं. नहीं तो स्टेयर्स भी चलेंगे. इसमें भी सेम 3 सेट्स 15. रिपीट ऑन अनदर, दूसरे लेग पे भी रिपीट करना है. 15 के एक लेग पे, दूसरे 15 के दूसरे लेग पे, और 15 के 3 सेट, मतलब आपको दोनों लेग के काउंट करके 15 नहीं करने, एक लेग के 15, दूसरे लेग के दूसरे 15. Thank you.
नाउ इजीएस्ट एक्सरसाइज, लेट जाना है और लेग रेस। लेग स्ट्रेट, ऐसे लेग भी सकते हैं वैसे। देखो कैसे फटाफट आपके हिप्स की फैट रिड्यूस होने वाली है। इसमें भी सेम 15 के 3 सेट्स और दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, दोनों लेग की फैट कम करनी है ना। Now, last and most effective exercise and so easy. Let's do it. Last exercise करने से पहले क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो फटाफट करो, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करो, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसे क्लिक नहीं करोगे तो YouTube आपको नोटिफिकेशन ही सेंड नहीं करेगा और आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी ही नहीं। सो डू इट। लास्ट एक्सरसाइज, घर पे दीवार तो होगी, मेरे घर पे भी है, तो आपको करना यह है कि इस तरीके से चेयर पोजीशन ले लेनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, इस तरीके से चेयर पोजीशन ले लेनी है और होल्ड करना है 30 seconds। और 30 seconds के बाद 10 seconds रेस्ट, फिर से 30 seconds, ऐसा आपको 4 बार करना है। अच्छा ठीक है, चलो 3 बार कर लेना। इसे हम कह सकते हैं इनविजिबल चेयर, पीछे चेयर नहीं है फिर भी हम चेयर की तरह बैठे हैं। ट्राई करने वाले हैं और आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप अपनी हिप फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सिर्फ 15 डेज ये एक्सरसाइज कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आप 100% अपनी हिप फैट रिड्यूस कर पाएंगे, आई गारंटी। ट्राई तो कीजिए, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में। अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं ना तो वो भी देखने लायक है। मैं अभी भी ट्रैक से होकर आई हूँ और बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं माय न्यू चैनल नेहा गोसाई व्लॉग्स पे, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ट्रैवल के व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, जाइए क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे भी थोड़ा प्यार बरसाइए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्राइट विथ #livingbright।